बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो है वाइट कढ़ाई। उसके लिए मैं जो जो चीज़ें डालूँगी साथ साथ आपके साथ शेयर करती जाऊँगी। मैंने एक कप ऑयल कर लिया है, ऑयल ज़्यादा जाता है, मैंने अपने अंदाजे से डाला है एक कप के करीब। अब ऑयल हमारा गर्म हो गया है तो चिकन को मैंने धो के रखा है। चिकन जो है हमारा 1 किलो है। पीले प्याज को मैं मीडियम पे रखूंगी। इसको 6 से 8 मिनट मैं कुक करूंगी चिकन को। अब इसे मैं कवर कर दूंगी मिक्स करके। अब 6 मिनट गुजर गए हैं, देखें हमारे चिकन में बबल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट, ये फ्रेश जिंजर गार्लिक पेस्ट है, मैं इसमें 2 चम्मच भर के डालूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। इसे मिक्स करूंगी। अब 1-2 मिनट के लिए मैं इसे कवर कर दूंगी। अब देखिए हमारे लहसुन की बुनाई अच्छी तरह हो गई है। अब मैंने एक प्याज लिया था, उसका पेस्ट बना लिया था, वो मैं डाल दूंगी इसमें लाया। और अब इसकी अच्छी तरह बुनाई करूंगी। गैस जो है मैंने मीडियम पे रखा हुआ है। अब साथ ही मैं 2 हरी मिर्ची, मैंने उनका पेस्ट बनाया है, वो भी डाल दूंगी इसमें लाया। अब इन सब की मैं अच्छी तरह बुनाई करूंगी। अब इसे कवर कर दूंगी। अब मैंने 3 चम्मच दही के लिए, ये प्लेन दही है, उसमें मैं 1 चम्मच काली मिर्च, 1 चम्मच नमक, 1/2 चम्मच ज़ीरा, 1/2 चम्मच जिंजर, और अगर आपके पास सफ़ेद मिर्च है तो वो भी डाल सकते हैं। इन सब को मैं दही में मिक्स करूंगी अच्छी तरह। सारे मसाले जो हैं वो मैंने दही में मिक्स कर लिए हैं। अब देखें हमारे चिकन की भी बुनाई अच्छी तरह हो गई है। देखें इसका किस तरह कलर चेंज हो गया है। अब मैं दही चिकन में डाल दूंगी। अब दही को मैंने चिकन में डाल दिया। अब इसे अच्छी तरह मिक्स करूंगी। अब साथ ही मैं 3 हरी मिर्चें डाल दूंगी साबुत। आपकी अपनी मर्जी है, काट कर भी डाल सकते हैं। माशाल्लाह चिकन का कलर देखें, मुझे ऐसे ही कलर चाहिए था, रंग बिरंगा। अब मैंने एक डबल क्रीम लिया है, वो मैं चिकन में डालूंगी। अब चूल्हे की आँच जो है वो मैं हल्की कर दूंगी और इसे मिक्स करूंगी। इतनी अच्छी ग्रेवी जो है। माशाल्लाह देखिए, थोड़ी सी इसकी बुनाई। माशाल्लाह देखिए हमारी कढ़ाई जो है वो तैयार हो गई है।
देखें ऑयल जो है वो सेपरेट हो गया है। देखें अब इसमें मैं थोड़ा सा लेमन डालूंगी, फ्रेश लेमन हाफ में स्क्वीज करूंगी। ऐसे मिक्स करूंगी। अब इसमें मैं ग्रीन चिलीज और थोड़ा सा धनिया। अब मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ। माशाल्लाह देखें कितनी अच्छी ग्रेवी बनी है। ऑयल सेपरेट है और ग्रेवी सेपरेट है। अल्हम्दुलिल्लाह बिस्मिल्लाह। ओह शिट, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह देखें हमारी वाइट कढ़ाई। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा धनिया वो स्प्रिंकल करूंगी और लेमन स्लाइस। माशाल्लाह आपने इस रेसिपी को ज़रूर बनाना है और मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको कैसी लगी वीडियो। अच्छी लगे लाइक कीजिए, अच्छे अच्छे कमेंट्स कीजिए और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दुआ में याद रखें, मैं भी आपको अपनी दुआ में याद रखूंगी। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आप इसको चपाती के साथ, नान के साथ और चावलों के साथ भी सर्व कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।